हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रीत व्लॉग। बेसिकली आज आप लोगों को दिखाने वाला हूँ मैं किया सोनेट। अपने एक सब्सक्राइबर भाई हैं उत्कर्ष, उनके पास जा रहा हूँ आज मैं नोएडा। अभी तो ऑन द वे हूँ, उनके पास किया सोनेट का टॉप वेरिएंट जीटी लाइन है। आज उसका ओनरशिप रिव्यूज करेंगे और सोनेट के ऊपर कुछ और वीडियोज भी शूट करेंगे। तो फटाफट यहाँ से चलते हैं और सीधा अब आप लोगों को भाई से मिलवाता हूँ और भाई की कार देखते हैं क्या क्या फीचर्स वगैरह आते हैं और ओवरऑल जो भी कुछ एक ओनरशिप रिव्यू रहने वाला है वो सारी चीजें आज के इस वीडियो में। अब हम सोनेट के अंदर आ चुके हैं। ये है सोनेट का टॉप वेरियंट। टॉप वेरियंट मतलब जीटी लाइन, और जीटी लाइन में भी डीजल है तो थोड़ा सा फैन स्पीड कम कर लेते हैं। और हमारे साथ भी आ चुके हैं जो उत्कर्ष भाई थे, जो मैंने आपको पहले बताया था। सबसे पहले ये भाई हमारे साथ उत्कर्ष भाई हैं। हेलो गाइस। तो भाई देखो, सबसे पहली चीज आज हम भाई से पूरा एक ओनरशिप रिव्यू पूछेंगे कि उन्होंने सोनेट ले रखी है लगभग भी आपको कितने टाइम हो गए लिए हुए। लगभग 2 महीने हो गए। 2 महीने हो गए। और भाई सबसे पहला सवाल तो मेरा सोनेट को लेकर आपसे यही था, मैं यही पूछूंगा सोनेट क्यों ली, सोनेट का जीटी लाइन ही क्यों लिया। मतलब लोग 15 लाख में सोनेट का जीटी लाइन लेना थोड़ा सेंसेबल नहीं समझते, क्योंकि थोड़ी सी वैल्यू फॉर मनी नहीं है ये। देखिए मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू था लेने का एक अलग था। मेरे को कॉम्पैक्ट गाड़ी चाहिए थी, प्लस सेकेंडरी चीज ये थी कि वैल्यू फॉर मनी तो बात कहूंगा मैं आपसे। ये पूरी आप कहते हैं ना फुली लोडेड हो गाड़ी, हाँ। वो चीज मेरी थी, प्लस डीजल हो और ऑटोमेटिक हो। अब उस क्राइटेरिया में मेरे संग यही फिट बैठ रही थी। अच्छा अच्छा। और अच्छा, मुझको ये एक एज ए लुक वाइज एज ए फीचर वाइज हर चीज हर क्राइटेरिया में मेरे फुलफिल करी, इतना भी मैंने इसको परचेज आउट करा फिर मैंने। अच्छा अच्छा। मतलब प्लस इसकी मेरे को डिलीवरी बहुत जल्दी हो गई, हम लोगों को वेटिंग मिल रही थी। मैंने जैसे आज बुक कराई थी, मेरे को 2 दिन में उन्होंने कहा डिलीवरी कर लो, ले लो मेरे पास। ये अवेलेबिलिटी थी उनका, GTX वेरिएंट अवेलेबल था उनका और ब्लैक कलर था। मेरे को रेड पहले चाहिए था बट ये कलर उनका अवेलेबल था तो मैंने ब्लैक ही ले लिया। अच्छा ठीक है। तो मतलब देखो भाई, ये बात जैसे भाई ने बताया ना कि भैया को वो ब्लैक के, मतलब उन्होंने कहा कि जीटी लाइन आप ले लो, तो जीटी लाइन का भाई देखो यही चक्कर है, वो हर किसी से यही कहता है अगर आप कोई दूसरा वेरिएंट बुक कराएं जाओ वो कहता है आप जीटी लाइन ले लो, कल के कल दे देंगे। और वैसे भी बता रहे 2 दिन के बाद उन्होंने जीटी लाइन दे दी। अब दूसरी चीज की भैया, मतलब सोनेट पे ही प्लान कैसे बना आपका? पहले मैं सोनेट सेल्टोस देख रहा था। सेल्टोस का इशू ये था कि जो इंजन मुझको इसमें मिल रहा है सेम इंजन आपको सेल्टोस में भी मिल रहा है। डीजल में तो सेम है, 1500 सेम है और सारे सब कुछ वेरिएंट सारा सेम था। बट उसी के लिए मैं अगर उसके सेल्टोस का वेरिएंट देख रहा था तो मुझे काफी एक्सपेंसिव पड़ रहा था, वो लगभग 18 तक का जा रहा था वो सब करा कुल के। प्लस उसमें फीचर्स भी इतने नहीं थे कि मैं उसके लिए आगे गो थ्रू करूं। मैं मतलब कुल मिला के आपकी रिक्वायरमेंट थी कि एक तो 1500 सीसी का इंजन हो, गाड़ी सब 4 मीटर हो और दूसरा और ऑटोमेटिक और फीचर्स भी हो, फीचर्स सब कुछ हो और आफ्टर मार्केट कुछ कराना नहीं था। एक्जैक्टली कुछ कराया नहीं मैंने, सब मैक्स मैंने वही शोरूम से लिए हैं, ठीक है, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं कराया इसके। तो भाई उस हिसाब से देखो भाई, अगर अपनी रिक्वायरमेंट बंदे को समझ में आ जाए तो फिर तो गाड़ी पिक कर पाना काफी ज्यादा इजी हो जाता है। तो भाई दूसरी चीज की आपको, ये इससे पहले आपके पास कौन सी कार थी? इससे पहले मैं इग्निस यूज करता था, वो भी ऑटोमेटिक थी बट वो एम्प्टी थी, ये 80 है वो एम्प्टी थी। दोनों के डिफरेंस में अभी बाद में आऊंगा मैं। प्लस उसमें क्या था कि मेरे को पेट्रोल था, पेट्रोल मेरा रन ज्यादा है, मतलब 100 किलोमीटर पर डे के हिसाब से मेरा रन है नॉर्डे टू दिल्ली, तो मेरे हिसाब से वो एक मेरे लिए थोड़ी महंगी पड़ रही थी, ठीक है। और प्लस क्या था कि थोड़ी मुझे अब फैमिली थोड़ी बड़ी हुई थी तो मुझे थोड़ा बड़ी चाहिए थी गाड़ी थोड़ी उसके हिसाब से, और ये मेरे हर क्राइटेरिया फुलफिल कर रही थी कि मेरी बड़ी गाड़ी भी है, हाँ। मेरे पार्किंग स्पेस में आराम से एडजस्ट भी हो जा रही है, प्लस इसके संग ये था कि डीजल भी है और ऑटोमेटिक भी है, तो मतलब ओवरऑल सारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर ही रही थी। बिल्कुल है। हाँ, तो कुछ लोगों को लगता है कि ये थोड़ा वैल्यू फॉर मनी थोड़ा नहीं है, महंगी लगती है, महंगी है, अगर वो आपके लिए आपके अकॉर्डिंगली फिट आउट हो रही है तो महंगी नहीं है। हाँ ये चीज भी है, अगर आपकी वो रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रही है, आपका जो पर्पज है वो रिजॉल्व कर रही है कि हाँ मैं इस वजह से गाड़ी खरीद रहा हूँ, तो फिर तो भाई महंगी नहीं भी है। अब अगर दूसरी चीज की इसमें बात कर लिया जाए तो सारे फीचर आ जाते हैं, जैसे एयर वेंटिलेशन वाला फीचर है, स्पोर्ट्स मोड है, बहुत सारे आपका ये है वेंटिलेशन का है, मतलब ये सारी चीजें वेंटिलेटेड है, यूज में आती है सारी चीजें। आप देखिए आप भी बैठो अभी, ठीक है, आप यूज करो आपको डिफरेंस लग रहा है कि मेरे को गर्मी इतनी हो रही है आज के टाइम में, ठीक है, पसीना नहीं आ रहा, पूरी एयर आपको प्रॉपरली वेंटिलेटेड हो रही है, आपको चाहे बैक से हो चाहे नीचे से हो, दोनों से आपको वेंटिलेशन प्रॉब्लम मिल रही होगी। प्लस क्या है इसका फायदा कि अब अगर आप लॉन्ग जर्नी पे जा रहे हो तो उसमें क्या है कि आपको क्रूज में डाल दो आराम से, इसी कर लो उसको कर लो, आराम से रिलैक्स होकर चल बैठो, अरे चलती रहेगी, आपका चलता रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं, कोई आपको पैनिक करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ बट एक आपको एक सर्टेन लिमिट पे ही आपको लग के गाड़ी नहीं पड़ेगी ताकि आपको कंट्रोल में रहे गाड़ी, ये बियॉन्ड कंट्रोल ना हो जाए, क्योंकि क्रूज में ये थोड़ी इशू रहता है आपको। दूसरी चीज माइलेज क्या निकाल दे रही है आपकी गाड़ी को, क्या गाड़ी का माइलेज ही सबसे ज्यादा मतलब इंटरेस्टिंग पार्ट है पूरी वीडियो का। मैंने इसका 29 निकाला, हमारा ग्रुप भी है उसका, क्या नाम है किया का, उसमें मैंने पोस्ट डाउन किया था, लोगों ने डीसीटी वेरिएंट जो पेट्रोल का आता है उसमें भी लोगों ने आईएमटी में भी निकाल रखा है 21-22 का। अच्छा अच्छा। तो मैंने 29 निकाल रखा है अभी। हाँ 29, मैं वैसे तो 22-23 निकाल लेता हूँ इसका, बट ये विदाउट एसी बता रहा हूँ मैं आपको, मतलब सर्दियों के दिनों में
हाँ सर, मतलब गर्मी भी निकाला है, मैं थोड़ा गॉस ऑफ मनी देखते हुए इसको बिना इसे भी चला लेता हूँ कभी कभी, तो फिर वो एवरेज निकाल लेती मेरे को। तो कुल मिला के देखो भैया जो कह रहे हैं ना 29 का, ये एमआईडी के हिसाब से नहीं बता रहे गाइस, ये बता रहे हैं भैया अपना, जैसे कि हम फ्यूल डलवाते हैं, मैंने 1000 का डलवा लिया, उस हिसाब से कैलकुलेशन के हिसाब से बता रहे हैं, और बाकी एमआईडी में और जो आपकी कैलकुलेशन है उसमें सेम आता है, डिफरेंस आता है एवरेज, थोड़ा सा मेनू डिफरेंस है, एक दो का एवरेज का डिफरेंस रहता है, एक या दो के एमपीएल का डिफरेंस रहता है, एक्जेक्टली रहता रहता है। बट जैसे मैं क्या करता हूँ, मुझे एग्जैक्ट फिगर चाहिए होता है तो मैं 1000 के डलवाऊंगा मैं, ठीक है। देखिए एक दो मेथड होते हैं कैलकुलेट करने, एक तो टैंक फुल मेथड होता है, टैंक टू टैंक करो, मैं वैसे नहीं करता, मैं 1000 क्योंकि मेरा रन डेली है, तो मैं 1000 के हिसाब से डलवाता हूँ, फिर मैं देखता हूँ कि हाँ भाई मैंने आज 4136 किलोमीटर चला हूँ, अब 1000 डलवाने के इस समय के बाद से मेरा कितने मेरे को मिल चल रही गाड़ी, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करता हूँ मैं। बाकी एक चीज और है, जैसे आपने किया सोनेट परचेज करी तो शोरूम वाला को फीडबैक कैसा था किया को लेकर, कि मतलब आप जैसे पूछने जा रहे थे तो अच्छे से आपको डिटेल्स वगैरह बता रहे थे, या फिर मतलब थोड़ा उनका वे ऑफ टॉकिंग थोड़ा रूडली था, क्योंकि काफी लोगों के साथ उनका जो बिहेवियर है ना थोड़ा किया का रूडली रहा है, तो मैंने ये चीज पूछना मेरे दिमाग में थी, मैंने कंफर्म करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है आपका ये, देखिए मैंने तो देखिए पहले तो फोन किया था, मैंने इनको लीड ड्रॉप की थी वेबसाइट के थ्रू, ठीक है, उनका कॉल आया मेरे पास, तो मैंने उनको छुट्टी बोला कि मेरे को यही रिक्वायरमेंट है, क्योंकि मैंने मतलब जब मैं कोई चीज परचेज करता हूँ तो मैं इसके लिए थोड़ा स्टडी करता हूँ, तो मैंने यूट्यूब भी देखा, मैंने इधर उधर भी चीजें देखी, लोगों ने इसके बारे में बहुत सारी बातें करी है महंगी है ये है, बट मेरी जो कैटेगरी तो उसमें फुलफिल हो रही थी, तो मैंने कहा मेरे को यही वेरिएंट चाहिए, बट मुझे ये कलर नहीं चाहिए था क्योंकि ब्लैक कलर मेंटेन करने में बहुत इशू आता है, really? वो बहुत मैं फेस कर रहा हूँ चीजों को, आप ये लगा लो मैंने थर्ड सोनेट शूट कर रहा हूँ और तीसरी सोनेट भी ब्लैक है, इससे पहले जो दो शूट करे वो भी ब्लैक है, उसका मैं आपको बता रहा हूँ ब्लैक अवेलेबिलिटी इसलिए आ रही, लोग जल्दी ब्लैक लेते नहीं है, बट ब्लैक कलर एवरग्रीन कलर है नो डाउट, बट इसको मेंटेन करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, टास्क है, बहुत बड़ा टास्क है ये। तो मतलब फिर किया वालों का रिस्पांस आपके साथ मतलब हाँ, रिस्पांस क्या था, हाँ उन्होंने अच्छा किया, तो वो व्हाट्सएप पे मैसेज जुड़ गए थे बंदे, डॉक्यूमेंट भी सारे ऐसे ही होते रहे, तो मैं एक बार दो बार विजिट किया मैंने बस लेने से पहले, अच्छा अच्छा, एक बार मैं टेस्ट ड्राइव ली थी, मेरा टेस्ट ड्राइव मैं लेता नहीं, बिल्कुल लेने भी नहीं चाहिए, टेस्ट ड्राइव मैंने ली पूरे अच्छे से, मैं संतुष्ट हुआ कि हाँ बिल्कुल, हाँ ये मुझे सही है, मेरे लिए फिट है, क्योंकि एक टाइम मेरे आईएमटी के भी आ रहे थे, हाँ मैं आईएमटी लेके देखूँ मैं, तो फिर मैंने एम टी करने के लिए मुझे पेट्रोल चाहिए नहीं थे मेरे को, अच्छा बस रीजन ये था ना रनिंग ज्यादा, मेरे को डीजल ही चाहिए थी, वो भी चीज है, और मैं डीजल इसको लेके बहुत खुश हूँ कि हाँ चलो मेरे को ऑन एवरेज बहुत अच्छा एवरेज मिल रहा है, और मतलब हर चीज क्राइटेरिया मेरे को फुलफिल करती है, जैसे इसके अंदर यूको कनेक्टिविटी वाले फीचर्स आते हैं, और दूसरा आपका मतलब कह सकते हैं की से स्टार्ट भी हो जाती है, तो वो सारे फीचर आप यूज में लेते हैं या फिर थोड़े यूजलेस लगते हैं? देखिए मैं अगर आपको बताऊं इसके फीचर्स में, तो मैं यूज करता हूं इसका आपका लॉक वाला फीचर यूको के थ्रू, ठीक है, वो जैसे मैं कभी भूल जाता हूँ मैं कि मैंने लॉक करी नहीं गाड़ी करी, अच्छा, अच्छा, आप भी अभी आते लॉक करें कर नहीं बोले ध्यान से उतर गई थी, आप इतने किलोमीटर आ गए तो बनने हुई गाड़ी, ठीक है, अब क्या होता है मैं आप खोलता हूँ, मैं इसे ऐप से डाल देता हूँ कि हाँ चलो अब मुझे याद आ कि हाँ मैंने लॉक नहीं करी गाड़ी, उसे लॉक होता है, बट उसमें कभी कभी इशू आता है अगर नेटवर्क में नहीं है आपके गाड़ी रेंज में, वो वर्कआउट नहीं करेगा, वो सिग्नल नहीं करेगा आपका, ठीक है वो कमांड नहीं लेती है। तो बाकी अभी तक किया के साथ कुछ प्रॉब्लम समस्या नहीं, समस्या तो अभी तक कुछ नहीं है, ऐसी छुट, बट अब देखिए अब चला मतलब अभी 4000 किलोमीटर तक तो फिर एक सर्विस हुई अभी तक मेरी 1000 वाली, 5000 वाली होगी अब, और तो फिर सर्विस कॉस्ट क्या थी जो एक हुई थी? जीरो, मतलब कुछ भी नहीं दिया उन्होंने, शैम्पू चार्जेस वगैरह कुछ भी नहीं? नहीं कुछ नहीं दिया, मतलब मारुति वाले तो शैम्पू के 20 रुपए लेते हैं, नहीं कुछ नहीं दिया, मैंने एक पैसे नहीं दिया मेरे को, बस ये फोन आया था कि आप इंजन की कोटिंग करा लो उसके लिए, वो तो जबरदस्ती वाली चीज है, मैंने मना कर दिया, मुझे जरूरत नहीं इसकी, ऑब्वियसली क्या जरूरत है उसकी, मतलब नई गाड़ी होगी आगे मैं तो फिर उसके लिए करा दूंगा, आगे जरूरत पड़ेगी तो देखा जाएगा भाई, बाकी एसी वगैरह इसका प्रॉपर है, बाकी गाड़ी जो आप बताते हैं जर्क का जो आप बताते हैं वो चीज सबके साथ शेयर करो कि आप क्या कह रहे हैं। अभी देखिए गाड़ी चल रही है, अब जैसे मैं उसको इनिशियली वो करता हूँ पुल करता हूँ, हल्का सा वो जर्क महसूस होता है, हल्का जर्क आता है, गियर शिफ्टिंग जो गियर शिफ्टिंग होता है ये एटी का थोड़ा सा इशू रहता है, मगर जब एक गाड़ी आ जाती है अपने रंग में तो देखिए कोई स्मूथनेस है एकदम, जब आप ये चीज कह रहे हो ना ये चीज अगर आप डीसीटी में जाओगे ना तो वहाँ ये चीज रिजॉल्व हो जाती है, क्योंकि जैसे आपका पहला गियर डलता है ना गाड़ी रेडी रहती है दूसरा गियर डालने के लिए, तो वहाँ ये चीज इतनी पता नहीं चल पाती, नैनो सेकंड्स में काम हो जाता है, ये सिविलिटी में भी है, ये थोड़ी सी चीज आपको महसूस होगी होगी, इसको प्रॉब्लम नहीं कह सकते, प्रॉब्लम नहीं, हाँ ये महसूस होगी, इसकी आप स्पेशलिटी का या इसकी फीचर का इसका बिहेवियर कह सकते हैं, इंजन का नेचर ही ऐसा, ये ऐसे करेगा ही करेगा, तो भाई ये तो इसकी प्रॉब्लम हम नहीं, सीविटी का जो स्मूथनेस है वो आपको इसमें फील नहीं है, क्योंकि मैंने होंडा सिटी भी चला रखी है, ठीक है, मेरे पास होंडा सिटी है तो क्योंकि मैं वो चलाता हूँ, तो मुझे जो फील उसमें एक गियर शिफ्टिंग में नजर आता है ना वो इसमें वो लैक करती है, वो चीज है उसमें स्मूथनेस ज्यादा होगी, स्मूथनेस ज्यादा उसमें, ठीक है, बाकी उसमें ऐसा कोई कंसर्न नहीं है कि कोई ऐसा इशू, ऐसा कोई इशू नहीं है इसके अंदर। बाकी म्यूजिक सिस्टम वगैरह कैसा है इसका? मैं आपको डेमो दे देता हूँ सारा। नहीं डेमो तो चलो, नहीं नहीं डेमो नहीं तो कॉपीराइट आ जाएगा, डेमो के लिए तो हम दूसरा गाना चला लेंगे। वैसे आपके आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा है बोस का म्यूजिक सिस्टम, क्योंकि काफी ब्रांडिंग है ना इस पे, बोस 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 एग्जैक्टली, म्यूजिक सिस्टम बहुत अच्छा है।
बढ़िया है, कोई कंप्लेंट नहीं, जो बैठता है वो फील करता है। प्लस जो आपको एक चीज और फीचर दिखाऊंगा, इसमें लाइटिंग का फीचर है, एंबिएंट लाइटिंग, एंबिएंट लाइटिंग बेस के अंदर वो चेंज कर सकता हूं मैं, चाहूं तो चेंज भी हो जाएगा, कलर वगैरह चेंज हो सकता है। बिल्कुल, मैं आपको यहां से एमआईडी स्विच करेंगे तो आप चेंज कर सकते हैं, चेंज हो जाएगा यहां से। चलो वो तो हो जाएगा, वो सब पता ही है, तो फीचर वगैरह जैसे जो फ्रंट पार्किंग सेंसर है वो काम में आते हैं। हाँ बिल्कुल आते हैं। अब जैसे मैं कुछ आगे ले आऊंगा ना, ये बोलने लगेगा सेंसर आपका, अच्छा बताना शुरू कर देगा। एग्जैक्टली। तो ओवरऑल मैं जैसे आज की डेट में अगर आपसे कोई बंदा पूछे कि मेरे को किया सोनेट परचेज करनी है और वो बंदा कहे कि मैं कंफ्यूज हूँ, मुझे बीच का वेरिएंट लूँ, ऊपर का वेरिएंट लूँ, तो आप कौन सा वेरिएंट रिकमेंड करेंगे? सबसे पहले तो कोई भी कस्टमर है उसको अपनी रिक्वायरमेंट देखनी चाहिए। एग्जैक्टली। अगर मेरी रिक्वायरमेंट ऑटोमेटिक नहीं है तो क्या मैं नेक्सॉन के लिए जा सकता हूँ? और मैनुअल में जाना मेरे को, टाटा गाड़ी है, ठीक है। सेकंड चीज क्या, अगर मैनुअल में ही चाहिए, मुझे पेट्रोल चाहिए, डीजल चाहिए, वो क्या है उसकी रिक्वायरमेंट, रन क्या है हमारा, रन क्या, हमारा रन तो यही देखना कि अगर मेरे 50 किलोमीटर रन है डेली का तो मैं तो पेट्रोल में भी काम कर लूंगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई इशू नहीं। अगर मेरे 100 के ऊपर रन है डेली का तो फिर डीजल में जाना एक बेटर ऑप्शन रहता है। और दूसरा, अगर दिल्ली जैसी सिटी से या फिर मेट्रो सिटी से बिलोंग करते हैं तो वहाँ पे डीजल गाड़ी चलती हुई 10 साल है, वो भी एक ड्रॉबैक है। बिल्कुल बिल्कुल। अब इसके आगे से 15 साल का आपको लिख दिया था, आप 15 साल चला सकते हो। क्यों? क्योंकि आप नोएडा से हो, हम दिल्ली से, हम सिर्फ 10 साल चला सकते हैं अगर हम डीजल परचेज करते हैं तो। फिर जब कोई इतना पैसा लगाता है इंसान तो सोचता है कि हाँ चलो 10 साल तो मैं गाड़ी चलाऊंगा, एटलीस्ट 8 साल तो कम से कम हर बंदा चला ही लेता है। प्लस एक चीज मैं कहूंगा, जैसे ये थोड़ी महंगी लगती है बट एक चीज के ये भी है कि अगर आप इस टाइम में कुछ नई चीज ले रहे हो, है ना, हाँ। वो लंबे टाइम के लिए, लॉन्ग रन के लिए आपके लिए रहेगी, सस्टेन रहेगी चीज, ये भी है, ठीक है। वो ये नहीं कि अगर मैं पुरानी गाड़ी ले रहा हूँ, मैं आपको फोर्ड के पास बता दूँ, फोर्ड में गाड़ी बहुत अच्छी है, फोर्ड की नो डाउट, बट फोर्ड इको स्टोर प्रॉब्लम ये कि उतने फीचर्स नहीं है जितने फीचर्स आपको इसके अंदर मिलेंगे। फोर्ड में यही पंगा आ रहा है, फोर्ड की बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी, अपडेट नहीं दे रहा ना, बहुत टाइम हो गया, अब तो नहीं भी आई है, मैंने वो देखी, मतलब स्पेशल में सब कुछ सही है बट मेरे अकॉर्डिंग वो फीचर्स में मेरे लिए फिट नहीं बैठ रही है। मेरे लिए प्रायोरिटी फीचर्स थे, लुक था और प्लस एक कंफर्ट लेवल भी था साथ में, क्योंकि पीछे इतने बैठे हुए लोग नहीं मेरे साथ, मैं तो आगे ही बैठ के काम करता हूँ अपना, मेरे ही एक सिंगल हैंडेड रनिंग चलती है इसके अंदर, तो इसलिए मेरे लिए कोई कंसर्न नहीं है कि हाँ पीछे की स्पीड स्पेस में भी आपको बहुत लंबा चाहिए हो, तो मेरे इतनी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। तो आपको ऐसे ही लगा जैसे कि जब सेल्टोस की 3 स्टार की रेटिंग आई तो मतलब इसकी क्या रेटिंग आएगी सेफ्टी वाइज, जो सेफ्टी वाली रेटिंग आई थी, तो मैं अब इस बात पे आप आते हो तो मैं कहता हूं मैं डेली चेक करता हूं यूट्यूब पे, तो हां भाई आई है नहीं, आई है नहीं, है मेरे लिए एक क्वेश्चन है, और ये आपके लिए, मेरे लिए क्या आई है भाई, कब आएगी इसकी रेटिंग, मतलब क्या लगता है अपने एंड से, क्या लगता है कितनी आ सकती है? मैं यही शूट कर रहा हूँ 3 से 2.5 के बीच में, मतलब 3 तो आ जाएगी। आपकी गाड़ी में भाड़ से आपको निशान में दिखाऊंगा, निशान भी पड़ गया उसके अंदर, ठीक है, भाड़ से मुझे लगा कि वो गया, मतलब डोर गया आज, अच्छा गया डोर गया, जब मैंने कहा एकदम बीच पीक में था मैं, ठीक है, आश्रम में रेड लाइट पड़ती है, वहां पर लगाई होती है, अचानक से मैंने ब्रेक मारा, वो भर से आगे स्पीड में तो बंदा मार दिया उसने, हाँ। लगा डोर गया, इतनी तेज आवाज थी, गाड़ी यूं हो गई थी टेम्पो, हाँ। जब मैं नीचे उतरा मैंने कहा कुछ नहीं हुआ, ये तो हल्का सा स्क्रैच आ रखा है, तो मुझे थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया, हाँ भैया चलो अगर यही मारती गाड़ी होती है ना इतने में पिचक जाती, पिचक जाती, पिचक जाती है, कंफर्म पिचक जाती, इग्निशन हो चुका मेरे, मैंने क्या हुआ, मेरी गलती थी, कुछ थी, मैं नोएडा में था, आगे ट्रैफिक चल रहा था, मैं मोबाइल में आ गया, ऑफिस में चला गया, मैं देखने लगा और वो क्रीप कर रही थी गाड़ी, क्रीप में ही वो आगे चली गई, भर से आगे बस में चली गई, वो पूरा आगे का बोनट पूरा एकदम अंदर घुस गया था, अच्छा अच्छा बम्पर घुस गया होगा इधर से, अंदर से गया और लाइट भी टूट गई थी मेरी, तो फिर मैंने कहा यार ये इसकी बिल्ड क्वालिटी तो बहुत हल्की है, और प्लस उसको महसूस होता था, आप जब चलाते हो गाड़ी ना तो बॉडी रोल और सबका आपको एक वो लग जाता है कि हाँ, बाकी कैमरा क्वालिटी भी अच्छी है इसकी, हाँ नो डाउट अच्छी है, बाकी इसका टच के रिस्पांस के बारे में क्या कहना है, मगर लैग वगैरह करता है ये? नहीं बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो HTX है उसके अंदर जो 8 इंचेस वाला आता है वो काफी लोग कहते हैं थोड़ा लैग भी करता है, और उसके पीछे के जो स्पीकर है ना वो बेकार है, मतलब पर्सनली हमने भी सुना है इतनी अच्छी साउंड नहीं जितनी आगे के स्पीकर्स की साउंड है, नहीं, तो सही आती है इसमें, सही इसमें है, सही है इसमें, क्योंकि इसमें तो वैसे ही बोस का सिस्टम है, इसमें प्रॉब्लम एक चीज की मुझे लगती है जो इनको देनी चाहिए थी, GTX है एक तो टॉप वेरियंट है, टॉप वेरियंट में आपको हमेशा इसमें वायरलेस इंटरप्ले देना चाहिए था, या आपको जो इसमें नहीं है, नहीं है ये कमी है, ड्रॉबैक है, जो मैंने लिया यूजफुल तो मेरे नहीं है, मैंने आज तक यूज नहीं किया, अब बता दूं नहीं यूज किया, मुझे जरूरत ही नहीं पड़ती, मेरी कॉल पिकअप होनी है, कॉल पिक हो जाती है, मैसेज आते हैं तो उसमें दिखाता हूँ, व्हाट्सअप का इसमें यूज करते नहीं, ड्राइव करते समय कोई चीज ऐसा, ठीक है, तो फिर मेरे लिए इतना कोई वो नहीं है कि इतना कोई बड़ा बहुत बड़ा चैलेंज है, बट ये फीचर
किसी के लिए तो बेनिफिट होगा ना कि हाँ यार ऑब्वियसली देना चाहिए था, वो देना चाहिए था। ये किसमें भी आपको मुझे भी मुझे इसके अंदर एक कंप्लेन और लगते हैं, वो कूल्ड ग्लोव बॉक्स भी नहीं देते, वो भी इन्हें देना चाहिए था, वो भी देना चाहिए था। क्योंकि जिस प्राइस पॉइंट पे दे रहे हो तुम, जब एयर वेंटिलेटेड सीट दे दी, सब कुछ दे दिया, तो एक छोटी सी वेंट इसके अंदर लगाने में क्या चला जाता। ये दो तीन चीजें मतलब इसमें छोड़ दी, किया ने वो चीजें कर सकते थे। हम ये नहीं कहते कि 360 डिग्री कैमरा भी तो फिर और प्राइस बढ़ती, मगर जितना दे रखा उसमें एक आधी चीजें और एड हो सकती थी। जब मैं लेने गया था मुझको दो चीज का लगा था यार कि ये चीज होनी चाहिए थी। एक तो ये लगा मुझे को, ठीक है एक आपने जो बताया ये भी लगा था मुझे। सेकंड एक चीज और लगी थी मेरे को कि इसमें आपका क्या कहते हैं जो वो है और दूसरी जो पीछे की जो सीट है ना आपकी, उसके में लगता था कि हाँ जो एक जो कहते हैं ना सॉफ्टनेस है वो थोड़ा सा वो लैक करती है मुझे कि हाँ थोड़ा सा वो है, कम लगती है। आगे की ठीक है, आगे कुछ तभी तो बोला मेरे परफेक्ट इसलिए कि मैं ही चलाता हूँ गाड़ी। हाँ एग्जैक्टली exactly. अगर लॉन्ग ड्राइव होती मेरी साल में दो बार तीन बार होती नहीं है, बढ़िया है बिल्कुल सही है। स्टीयरिंग फीडबैक, ब्रेकिंग और कोई चीज, या फिर मतलब जैसे शार्प टर्न पे तेज मोड़ना, स्टेबिलिटी दोनों मारी, दोनों कर रखा है, फ्री चेकआउट कर रखी है भाई। मैंने को बोले कैसे भी करे मतलब विश्वास नहीं करूंगा मैं, फतेहपुर सीकरी से मैं आगरा गया था, मैं फ्रस्ट्रेटेड हो गया था जाम की वजह से, गुस्से मैंने गाड़ी तोड़ा 110, 150, 120 गुस्से की वजह से, और यूं वाली चीज निकाली है और बहुत आराम से निकली मस्त एकदम। और जब आपने इसको 138 आप बता रहे हो टॉप एंड चलाई है 140 के अराउंड मान लेते हैं, तो स्टेबिलिटी कैसी थी गाड़ी की? बिल्कुल सही थी, क्योंकि वो भी उसमें थी आपके ऐसा लग नहीं रहा था भग जाएगी उधर की साइड गाड़ी। स्टेबिलिटी का रीजन क्या होता है कि गाड़ी अगर आपके हैवी है, ठीक है, तो वो स्टेबिलिटी को थोड़ा ओवरकम कर लेती है, गाड़ी हल्की होती तो ओवरकम नहीं कर पाती चीज को लेकर। बाकी आपने स्पोर्ट्स मोड पे इसको चलाया भी नहीं, वरना स्पोर्ट्स मोड पे कैसा कुछ पुल वुल कभी चला के देखिए कैसा देती है? नहीं, स्पोर्ट्स मोड चलाया नहीं है, जरूरत नहीं पड़ी मेरे को, बट जरूर कुछ ना कुछ है चीजें स्पोर्ट्स मोड पे ना भाई, पावर एकदम से ज्यादा आती होगी जब राइड रिव्यू करेंगे इसका तब चला के देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल है, गाड़ी कैसा परफॉर्म करती है कैसा नहीं। बाकी यहाँ पे यूवो का रोड साइड रेजिस्टेंस हो गया और एसएस के लिए बटन आ जाते हैं, सनग्लासेस होल्डर वगैरह। इस वेरिएंट का मैं प्रॉपर एक डिटेल्ड रिव्यू भी करके डाल दूंगा चैनल पे, इसमें टॉप वेरिएंट में क्या क्या फीचर्स आते हैं स्पेशली डीजल में, वो सारी चीजें। एंड तो ये वाली वीडियो तो बस इतना ही, तो और आपके एंड तक कुछ चीज रही तो नहीं, आपके कार के रिगार्डिंग किसी को शेयर करना हो तो कोई चीज रह गई हो तो? अगर कार कोई भी आप ले रहे हो मेरे हिसाब से, ठीक है, बींग एक कार लवर कहूँ या एक एंथुसियास्ट कहूँ मैं, तो आपको हमेशा ये देखना चाहिए आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। अगर देखें मैं तो ऐसे करूँ, मेरा बजट इतना है, मेरा इसका बजट नहीं था, मैं आपको बताऊँ मैं बजट कोई नहीं था मेरा, मेरी गाड़ी में थोड़ा सा इशू आने लगा था हल्का सा था, मैंने इसलिए निकाल दिया उसको, बट उसके गवर बस में थोड़ा इशू आ रहा था एटी के, उससे पहले मैंने उसको वो कर दिया कि चलो निकाल के करते हैं। तो इस पर जब मैं इसको देखने का यार, तो मैंने कहा चलो फैमिली थोड़ी बड़ी है इसको देखते हैं, ये बजट से बाहर थी मेरे। इसका मैंने एसटीएक्स देखा था जो 12 लाख समथिंग का आता है, एसटीएक्स 11 लाख कुछ का है, मतलब 12 लाख ऑन रोड, अच्छा डीजल में 12 लाख आ रहा है, पेट्रोल में 11 लाख कुछ का है, 12 लाख 50 समथिंग का था वो सही था। बट मैंने कहा एक बात बताओ, मैंने घर में डिसीजन, मैं इतना पैसा लगा रहा हूँ, लगा 2-3 लाख रुपए लगा के मैं हर चीज ले रहा हूँ, मैं टॉप मॉडल टॉप, तो क्या बुरा है इसमें? एक गाड़ी ऐसी चीज होती है जो आप वन टाइम लेते हो, आप कुछ साल के लिए भूल जाते हो, ऐसे ही ऐसे ही। अगर आपको शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए लेनी गाड़ी, ठीक है, तो आपको इतनी महंगी गाड़ी लेने की जरूरत नहीं है, बेस वेरिएंट खरीदो, बेस वेरिएंट ले लो फिर आप, सबसे अच्छा आपके लिए, आपका शौक भी पूरा होगा कि भैया चलो हमने सोना सेल्टोस चला ली गाड़ी यार, ऑडी भी ले रहा, कोई भी ले रहा, बेस कुछ टाइम कम के लिए ले रहा है तो फिर कोई बुरी नहीं है। अगर लॉन्ग टर्म के लिए लेनी है तो आप भैया बड़ा इन्वेस्टमेंट करो और लॉन्ग टाइम के लिए रखो गाड़ी, ये चीज है। जैसे कि मतलब मेरे पास भी बलिनो का टॉप मॉडल, तो पापा ने कहा था टॉप ले लेते, कौन सी है, मैं 2-4 साल बाद बेचनी आराम से 8-10 साल चलानी है, चलानी तो टॉप ले लेते, कोई दिक्कत नहीं, बाहर से काम उन्हें करवाना नहीं था, तो इस हिसाब से टॉप ठीक है, बिल्कुल है। तो भाई फिर देखो आज वाले वीडियो में तो बस इतना ही था, वीडियो को यहीं पर क्लोज करते हैं, और जिसका साउंड है वो मैं आपको एक बार ही सुना देता हूँ, यहीं पे एनसीएस का गाना और पंजाबी गाना सुना दूंगा इंस्टाग्राम पे, आईडी स्क्रीन पे फ्लैश हो रही होगी, फॉलो करना चाहो तो कर लेना, और भाई से कुछ पूछना हो तो भाई का भी इंस्टाग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, भाई से जो भी कुछ सॉन्ग के रिगार्डिंग पूछना चाहते हो मेक श्योर वहाँ पे आप आके पूछ सकते हो, भाई को फॉलो करो सब्सक्राइब भी करो, बिल्कुल बिल्कुल आप कर सकते हो, ठीक है।